राजधानी देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर राशन डीलर बायोमेट्रिक की समस्या को लेकर पहुंचे नाराज राशन विक्रेताओं ने मौके पर समस्या का समाधान न होने पर जमकर प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने नए राशन विक्रेताओं पर आरोप लगाया कि कार्यालय में पहुंचकर राशन विक्रेताओं ने जमकर तोड़फोड़ कर दी और महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की। मामले को बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी ने तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की भी बात कही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भाई मैट्रिक के विषय में आए थे डीएसओ साहब से मिलने और लैपटॉप अपना रिकॉर्ड वगैरह सभी ले गए, लेकिन डीएसओ साहब नहीं थे तो हम डीएसओ साहब के कमरे में बैठ गए। फिर जो है ये 8 घंटे के बाद डीएसओ साहब आए, हमने उनसे लैपटॉप उनको दिया और ये होगा सर ये काम आप करें। उन्होंने मुझसे कोई समय नहीं मांगा था बातचीत का, अपने ये कुछ बातचीत करना चाह रहे थे बायोमेट्रिक को लेकर के और उनकी समस्याएं भी। तो जब यहाँ आप कार्यालय में पहुँचा तो ये लोग कार्यालय के अंदर मेरे कक्ष में बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे बातचीत करी, इन्होंने अपनी बात मुझसे रखी। मैंने कहा ठीक है मैं आपकी बात जो मेरे स्तर के मामलों को मैं अपने स्तर से देख लूँ, बाकी जो शासन स्तर के शासन स्तर पर मैं रेफर कर दूँगा।